गुड मॉर्निंग एवरीवन। सबसे पहले टीम डायनामिक और भास्कर सर, असलम सर, रक्षित सर और इंटायर लीडरशिप का तहे दिल से मैं थैंक यू कहना चाहूँगा। दोस्तों, इस मॉर्निंग सेशन में जिसका नाम आपने दिया है पावर सिस्टम, वेस्टीज की पावर को आप लोग जो मिलते हैं और ये जो एक माहौल क्रिएट होता है, इसके लिए, इसमें बुलाने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। जैसा कि भास्कर सर ने हमारे बारे में कुछ ज़्यादा तारीफ कर दी, दोस्तों ये कहूँगा बिल्कुल सही कहा। और भास्कर सर खुद ही, असलम सर खुद ही इतने अच्छी पर्सनैलिटीज़ हैं, इनके साथ हम ट्रेनिंग में मिले थे। आज आपको एक जर्नी की पिक्चर दिखाने वाला हूँ। फिल्म बैकग्राउंड से हूँ, इसलिए इस बैकग्राउंड के बारे में, आपको अपनी जर्नी के बारे में एक 30 मिनट के अंदर जर्नी भी दिखाऊँगा और कुछ ट्रेनिंग भी बता के जाऊंगा। क्योंकि इस बिजनेस में कहते हैं पहले सीखिए, करिए और सिखाइए। तो एक अच्छी खासी बैकग्राउंड से हूं, पैसा, घर, गाड़ी, सब कुछ, पर दोस्तों लाइफ में वेस्टीज क्यों करना है, आज आप लोगों के बहुत से कारण निकलेंगे। शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा सभी से, वीडियो ऑन कर लीजिए और जितना हो सके लिखिए, क्योंकि लिखेंगे तभी अपनी टीम में बता पाएंगे। और अगर किसी को बुलाना है तो फटाफट बुला लीजिए। आज का सेशन बहुत खास होने वाला है। आज के बाद कोई ये ना कहे कि जी पैसा है, मेरे पास टाइम नहीं है। मैं एक नहीं, दो नहीं, तीन प्रोफेशंस मेंटेन करता हूं दोस्तों, एक नहीं, दो नहीं, तीन प्रोफेशंस मेंटेन करता हूं, फिल्म मेकिंग, वेस्टीज और तीसरा यूट्यूब। तीनों में समय लगता है। अगर मैं अपने बात करूं तो 16 से 17 घंटे काम करता हूं। क्या है ये भूख? क्यों? क्या ज्यादा पैसा कमाना ही सब कुछ है जिंदगी में? बिल्कुल भी नहीं। वेस्टीज एक परिवार है जहां आप किसी के लिए समय निकालते हैं। मैं आपको कल का अगर एग्जांपल दूं, कल के दिन मैंने वेस्टीज की 3 पर्सनैलिटीज के साथ लगभग लगभग 1 घंटा बात करी। सबसे पहले भास्कर सर का फोन आया, भास्कर सर से मैंने तकरीबन 45 से 50 मिनट बात करी। क्या जरूरत है? सोच के देखिए दोस्तों, लाइफ में हम इतने भागदौड़ में लगे हुए हैं कि हमें ये नहीं समझ में आ रहा कि हम सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहे हैं या रिश्तों को बनाने जा रहे हैं। रिश्ते ही काम आएंगे वेस्टीज में। वेस्टीज एक परिवार है। यहां से क्या लेंगे? यहां से आप पैसे के साथ साथ बहुत कुछ ऐसा लेंगे। तो 45 से 50 मिनट भास्कर सर के साथ हमने बात करी। रात को शिवानी मैम के साथ बात हुई 1 घंटा। सोच के देखिए, वेस्टीज एम्बेसडर जो आज 15 लाख रुपए कमा रही है, उनके साथ आपने 1 घंटा बात करी। माय डियर फ्रेंड्स, वेस्टीज में आप लोग जितने नए लोग हैं, मैं देख पा रहा हूं यहां पर बहुत सारे लोग नए हैं। आज आपको एक पिक्चर का वो देने जा रहा हूं जिसमें आप वेस्टीज को समझेंगे। चलिए अपनी जर्नी की शुरुआत करते हैं। और अपने, अगर जर्नी की शुरुआत करूं और अपने पेरेंट्स को मैं थैंक यू ना कहूं तो इसमें गलत होगा। आज जो भी हैं, हम अपने पेरेंट्स की बदौलत है, अपने फादर की बदौलत है, मदर की बदौलत है। दोस्तों, हमारी शुरुआत बचपन से बहुत ही एक, मैं कहूंगा अगर मैं प्रिंसली कहूं, से रायर बहुत अच्छी हुई और सब कुछ था हमारे पास लाइफ में। पिताजी आर्मी में थे, गेस्टेड ऑफिसर, और बहुत अच्छी लाइफ थी। लाइफ में आपके पास 2 ऑप्शंस होती हैं, या आप जो जैसा चल रहा है वैसा चलता रहे, या आप एक ऐसी लाइफ को पसंद करें कि जहां पर आपके पास चॉइस करने का मौका हो, अपनी जिंदगी खुद लिखने का मौका हो। जब हमने अपनी 12th करी, दीमापुर में फादर पोस्टेड थे नागालैंड में, और हमें ये ऑप्शन थी कि हम चाहे तो कोई भी बड़े REC रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले लेते नागालैंड कोटा से, पर हमें कुछ और ही मंजूर था। बहुत जल्दी समझ में आ गया कि हम मेडिकल के लायक नहीं है, पर आज वो नॉलेज हमें काम आ रही है। नॉलेज कभी बेकार नहीं जाती। जितनी साइंस बैकग्राउंड की नॉलेज थी, आज वेस्टीज में काम आ रही है। जब हम सप्लीमेंट्स के बारे में बात करते हैं, जब भी कुछ भी करते हैं, मीडिया में हम कुछ भी नॉलेज रखते हैं, तो हमें हमारी साइंस बैकग्राउंड बहुत अच्छे से समझ में आती है। कॉलेज हमने दिल्ली से किया और बहुत ही कहते हैं ना स्ट्रगलफुल हमने किया। खुद चॉइस पसंद करी, पेरेंट्स से हमें कभी पॉकेट मनी की कमी नहीं थी, पर हमने लाइफ को खुद चूज किया। गाजियाबाद से दिल्ली अप एंड डाउन करते थे रोडवेज की बसों में। क्यों? क्योंकि हमें जिंदगी में स्ट्रगल पसंद था। हमें अपनी लाइफ को पॉलिश करना था। पैसा होने के बावजूद हमें अपनी लाइफ को पॉलिश करना था। हमारी एक ब्लेस्ड लाइफ रही है और फैमिली लाइफ तो बहुत ही अच्छी रही है। दोस्तों, मैं थैंक यू करना चाहूँगा अपने लाइफ पार्टनर का, बिजनेस पार्टनर का और वेस्टीज में लाने वाले पार्टनर का, नमिता महाजन मैम का।
सोच के देखिए, आज जितने लोग सुन रहे हैं और जितने लोग अब सुनेंगे इसके बाद आपके माध्यम से, उतने लोगों को मैं एक ही चीज कहूंगा, आज अपनी लाइफ में वेस्टी ज्वाइन करने से पहले 2 से 2.5 लाख रुपए महीना कमाते थे। और क्या जरूरत थी वेस्टीज करने की, सोच के देखिए माय डियर फ्रेंड्स। लाइफ में लोग क्या कहते हैं, पैसा जब कमा रहे होते हैं, टाइम नहीं है हमारे पास। अरे एक चीज बोलूंगा, आज जो भी आप कमा रहे हो तब तक ही कमा रहे हो जब तक आप जिंदा हो, ना रहने के बाद क्या। शिवानी मैम मेरी आइडल है, क्यों आए, क्योंकि सुदर्शन सर ने जो नेटवर्क बनाया 9 लाख 10 लाख के आसपास छोड़ा, आज मैडम 15 लाख के आसपास कमा रही है। सुदर्शन सर ने 4 घर बनाए थे अपने, पर मैम ने लॉकडाउन में 1.5 लाख का घर लिया। सोच के देखिए माय डियर फ्रेंड्स, आपके ना रहने के बाद भी वेस्टीज आपको, आपके परिवार को एक ऐसी इनकम देती है जो लगातार आती रहती है। माय डियर फ्रेंड्स, थैंकफुल हूं अपने लाइफ पार्टनर का, नमिता मैम का, जिन्होंने हमें वेस्टीज की तरफ लाया जब हम अपने कैरियर के प्राइम में थे, मतलब सोचने की भी कोई टाइम नहीं था हमारे पास, तब उन्होंने हमें वेस्टीज से जोड़ा। दोस्तों एक ही चीज बोलूंगा, जो सिद्धार्थ सर की ट्रेनिंग में भी मैं करता हूं, और कहीं ना कहीं हमें बहुत फॉर्चुनेट हूं, ब्लेस्ड हूं कि एक ऐसी टीम का हिस्सा है ग्रॉस का, सिद्धार्थ सर के, महेश सर के, प्रीतम सर के, आशीष सर के, गोलक सर के टीम का हिस्सा हूं, जहां पर फैमिली मेरी प्रायोरिटी है। दोस्तों मेरा पहला प्यार मेरी फैमिली है और दूसरा मेरा काम, दोनों में कभी भी द्वंद नहीं होता, किसको कब प्रायोरिटी देनी है हमें अच्छे से मालूम है। मेरी फैमिली मेरे वेस्टीज के बीच में नहीं आती, क्यों, क्योंकि उनको मालूम है पहला प्यार दूसरा प्यार में कभी भी डिफ्रेंशिएट नहीं करना चाहिए। हाथ की सारी उंगलियां अलग अलग होती हैं पर सबकी इंपॉर्टेंस होती है, फैमिली की भी इंपॉर्टेंस है और वेस्टीज की भी इंपॉर्टेंस है। जब फैमिली में जाना है तो फैमिली में जाना है, और जब वेस्टीज में जाना है तो वेस्टीज में जाना है। कोई ट्रेनिंग मिस नहीं होते, ये नहीं कि परिवार को बहाना बना दीजिए कि जी आज हमें अपनी फैमिली के साथ जाना है। जो लोग मेरे साथ फेसबुक में जुड़े हैं जानते हैं फैमिली मेरे लिए कितनी प्रायोरिटी है। सिंपल सी बात है दोस्तों, अपने कैरियर की बात करूं तो आज इंडिया की मैं अगर बात करूं टॉप 100 कंपनीज में मेरा नाम आता है, न्यूटेक एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड और वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, मेरी 2 कंपनियां हैं। बहुत प्राउड फील होता है कि वेस्टीज मार्केटिंग मेरी अपनी कंपनी है। दोस्तों फिल्म मेकिंग की अगर मैं बात करूं, आज अक्षय कुमार के साथ और जितने भी नामी व्यक्ति हैं उनके साथ काम कर चुके हैं, बिहार सरकार की मानव श्रृंखला 3 साल से हम कर रहे हैं। और अगर मैं बात करूं तो टॉप 100 कंपनीज में हमारी लिस्टिंग होती है, मीडिया में अच्छा खासा नाम है, 27 साल के फिल्म मेकिंग का कैरियर 3 साल के वेस्टीज के बराबर। सोच के देखिए माय डियर फ्रेंड्स, क्यों करना है वेस्टीज, आज आपको सारा क्लियर होगा। 27 साल के फिल्म मेकिंग कैरियर जहां से आप 2.5 से 3 लाख कमा रहे हैं, घर गाड़ी सब कुछ, और वेस्टीज में 3 साल में वही कुछ दे दिया। अब आपके पास मौका है लाइफ में शॉर्टकट से अमीर बनने का, वो सब हासिल करने का जो जिंदगी आपको 30 साल 40 साल में देती है। बहुत सारे लोगों का आज वाई क्लियर होगा कि वेस्टीज करना क्यों है। न्यूटेक एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड में हमने बहुत सारी नामी हस्तियों के साथ काम किया, साक्षी तनवर हो गई, शिबाना आजमी हो गए, बहुत सारे लोगों का, अक्षय कुमार के साथ काम किया, जितनों के नाम ले सकते हैं न्यूटेक एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड में उनके साथ काम कर रही है। वाई वेस्टीज, दोस्तों लाइफ में बहुत बड़े ड्रीमर थे, ये ड्रीम हमें पता चला 2018 के बाद, 2018 से पहले कभी भी हमने ड्रीम लेने की सोची नहीं थी, वेस्टीज में आए और हमारा ड्रीम बिल्ड हुआ। 15 मिनट मात्र लगे, नमिता मैम और मैं अपने ऑफिस में बैठे थे कैबिन के अंदर। सोच के देखिए दोस्तों, एसी चला हुआ था और अक्टूबर का महीना था, हमारे को जो वेस्टीज समझाने आए मात्र 15 मिनट लगे, हमने उनको सेल्समैन की तरह बाहर भेज दिया। नमिता मैम ने बोला हमें वेस्टीज करनी है, मात्र 10 मिनट के अंदर हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स उनको चले गए। उसी दिन शाम को हमारी सारी लाइन 6 की 6 लाइन खुल गई थी। माय डियर फ्रेंड्स, वेस्टीज में एक भी मेरे मीडिया लाइन का बंदा इस में ज्वाइन नहीं है, मेरा कोई रिश्तेदार ज्वाइन नहीं है, सारे के सारे मेरे टीममेट्स मेरे रिश्तेदार हैं। और आज मैं अगर अपने परिवार को देखूं तो मेरी एक्सटेंडेड फैमिली वेस्टीज से होती है। माय डियर फ्रेंड्स, यही है, लोग कहते हैं लोग नहीं है हमारे पास, मैंने अपने मीडिया में किसी को भी अभी तक ज्वाइन नहीं कराया, पर यस माय डियर फ्रेंड्स, आज जब भी चाहूं 5000 के कॉन्टैक्ट है मेरे पास, तो कमी नहीं है कॉन्टैक्ट की। स्ट्रेंजर्स के साथ काम करने में मजा आता है, स्ट्रेंजर्स के जवाब देने में मजा आता है, सीखने के लिए तैयार हो जाइए। हम जब बोलते हैं ना कि हमारे पास कॉन्टैक्ट नहीं है, ना आपको ये मालूम होना चाहिए मुझे वेस्टीज से चाहिए क्या, अपने गोल सेट कीजिए, अपने मेंटोर पर बिलीव कीजिए। जब हम 40 दिन के थे, हमारे मेंटोर ने हमें बोला था कि आप वेस्टीज में बन जाइए डायरेक्टर। दोस्त के देखिए
किसी अगर 35 दिन के बंदे को अगर बोला जाए, न्यू प्रोस्पेक्ट को बोला जाए कि आप बन जाइए उसी महीने फास्टार डायरेक्टर, उस जमाने में 10,000 पीवी के साथ, 7,500 पीवी के साथ बनते थे माय डियर फ्रेंड्स, 10,000 पीवी के साथ 40 डेज के अंदर हम डायरेक्टर बने थे, फास्टार डायरेक्टर, और सेकेंड मंथ की इनकम थी हमारी 30,000 के आसपास। कर लो काम माय डियर फ्रेंड्स। वेस्टीज में अगर मैं बात करूं आज अचीवमेंट के बारे में आपको, अगर मैं अपनी बताऊं आगे चलूंगा, ट्रेनिंग्स के अगर मैं बात करूं, कोई ट्रेनिंग मिस नहीं करी, चाहे वो लीप हो। इसी लीप में हम भास्कर सर से और असलम सर से मिले थे दोस्तों, सुनहरे पल दीपक सर की ट्रेनिंग। और एक ही चीज बोलूं, आग के ऊपर चलना या रॉड को यहां से बेंड करना, भास्कर सर असलम सर ने आपको बताया होगा माय डियर फ्रेंड्स, वो ऐसे संत थे जो वेस्टीज ने हमसे वो करवाया जो जिंदगी में हमने कभी सोचा नहीं था माय डियर फ्रेंड्स। इसी लीप में हम सुदर्शन सर के ब्रदर को मिले थे, इसी लीप में हम अपना मैम को मिले थे। हमने कोई भी ट्रेनिंग, चाहे प्रीतम सर की हो, एमसीसी हो, कोई भी ट्रेनिंग मिस नहीं करी, और हर ट्रेनिंग को हम ऐसे समझते हैं कि ये ट्रेनिंग मेरी अपनी है। कभी भी ये नहीं समझा कि ये तो अपलाइन की ट्रेनिंग है दोस्तों, तभी पोस्टर में नाम आया, बहुत जल्द आया, 18 महीने में क्राउन बने तभी आया, क्योंकि हर ट्रेनिंग को ये समझते थे कि ये ट्रेनिंग हमारी है। जैसा ये मॉर्निंग सेशन है, ये भास्कर सर, रक्षित सर और असलम सर ने या एंटायर लीडरशिप ने नहीं किया, ये हर 5% ने अपना है। सो दोस्तों, इसकी ओनरशिप लेना सीखिए। आपका इवेंट है, आपके इवेंट में 100 लोग बैठे या 50 लोग बैठे या 10 लोग बैठे, फर्क नहीं पड़ता, हमारा काम है बता के जाना। 5 लोगों को भी अगर हमने बता दिया, हमारा काम हो गया। पर माय डियर फ्रेंड्स, ये आपके ऊपर है कि आपका बिजनेस कितना बढ़ेगा। सोच के देखिए, अगर कल की मीटिंग में आपके, अगर मैं कहूं कि 200 लोग होने चाहिए, तो माय डियर फ्रेंड, जिम्मेदारी आपकी है। फ्राइडे को नमिता मैम आ रही हैं आपके बीच में, लेडीज हैं, जितनी भी लेडीज हैं, आप जितनी भी लेडीज को जानते हैं माय डियर फ्रेंड्स, आप उनको बुलाइए। अगर इसमें 200 की जगह 400 लोग हों, सोच के देखिए माय डियर फ्रेंड्स, यही मीटिंग में आपका बिजनेस कितना बिजनेस बढ़ेगा। तैयारी दुगनी जीत की क्या है दोस्तों? सोच। माय डियर फ्रेंड्स, जब तक आप अपनी सोच को चेंज नहीं करेंगे ना, आप इस लाइफ में कुछ नहीं लेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और अगर जानते हैं गोल सेटिंग के बारे में। वेस्टीज में जब ज्वाइन किया, मात्र 3 अक्टूबर की हमारी ज्वाइनिंग 2018 की, और हमने 2 दिन के अंदर ही वीआईपी अटेंड कर ली थी, यूनिफॉर्म में आ गए थे। सोच के देखिए, मीडिया कैरियर में कभी भी मैंने वेस्टीज टाई नहीं पहनी, पर वेस्टीज में दूसरे दिन ही हमने वीआईपी अटेंड करी इन वेस्टीज यूनिफॉर्म। दोस्तों, यूनिफॉर्म आपका एड्रेस है, सोच लीजिए, कर लीजिए। जो नया व्यक्ति ज्वाइन करता है, सबसे पहले यूनिफॉर्म को अपना लीजिए और अपने गोल्स को सेट कर लीजिए। जो सोचते हैं, जो देखते हैं वेस्टीज से, उसको आप विजुलाइज कर लीजिए कि ये मुझे चाहिए वेस्टीज से। माय डियर फ्रेंड्स, अगर मैं आज अपनी अचीवमेंट की बात करूं, तो फास्ट स्टार ब्रॉन्ज डायरेक्टर 40 दिन में, सिल्वर 75 डेज में, मेरी डॉटर 75 डेज में वेस्टीज में बनी थी, तभी हम उसकी बदौलत सिल्वर डायरेक्टर बने थे। और स्टार डायरेक्टर 3 महीने में, स्टार डायरेक्टर 3 महीने में, यानी गोल्ड हम कभी नहीं बने, सिल्वर के बाद सीधा स्टार बने, डबल प्रमोशन। डायमंड बने 8 महीने में। डायरेक्टर्स अगर आज बात करूं तो 50 से ऊपर है, ये पुरानी स्लाइड है। फॉरेन ट्रिप की बात करूं, 27 साल से फिल्म मेकिंग कैरियर के बाद पैसा था, कहीं जब चाहते जा सकते थे विदेश यात्रा, पासपोर्ट पे स्टैंपिंग नहीं हुई दोस्तों, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं कुदरत का एक वो होता है कि आपको एक मैसेज होता है कि आपके पास सब कुछ है, साधन है, पर जा नहीं सकते क्योंकि समय नहीं है। वेस्टीज ने पहले साल में ही हमें फॉरेन ट्रिप करवा दिया। क्यों? क्योंकि हमने सोचा और इस बात को हमने मैनिफेस्ट किया, विजुलाइज किया, तभी हमारे पासपोर्ट पर 27 साल के बाद स्टैंपिंग लगी, यस हम विदेश यात्रा करके आए। दोस्तों, क्राउन की अगर मैं बात करूं, 20 महीने मात्र में हमने वेस्टीज में क्राउन बने और उस लेवल को मेंटेन भी किया। आज हाउस फंड अचीवर हैं लाइफ टाइम के लिए, कार फंड अचीवर हैं लाइफ टाइम के लिए। दोस्तों, अगर मैं बात करूं आगे अपने जर्नी की, थाईलैंड ट्रिप एक ऐसा ट्रिप था जहां पर हमने बहुत कुछ सीखा। डर के आगे जीत है। मुझे हाइट से डर है, मुझे पानी में कभी मैंने स्विमिंग पूल में पैर नहीं रखा, पर यस वेस्टीज की बदौलत दोस्तों वो सब किया। डीप सी वॉक भी करी और पैरासेलिंग भी करी। ये सब कैसे पॉसिबल हुआ? ये सब संगत का असर है दोस्तों। जब आप ऐसे पर्सनैलिटीज के साथ कंधे से कंधा मिलाएंगे ना, जब आप वो विश्वास रखेंगे कि अगर ये व्यक्ति आज धर्मेंद्र मान सर वेस्टीज से 15 लाख रुपए के या 20 लाख रुपए के आसपास कमा सकते हैं, सुरभि सिंह अगर आज कमा सकती हैं, तो मैं क्यों नहीं। यही विश्वास आपको लाना है दोस्तों कि यस आप भी कर सकते हैं, तभी ये पॉसिबल होगा। माय डियर फ्रेंड्स, विश्वास में और बिलीफ में
कभी भी कमी मत रखना कि आप में है वो बात, हर व्यक्ति में बात होती है। अगर मैं अपनी टीम की आज बात करूं तो हमारी टीम में कई ऐसे लोग हैं, मैं अगर बात करूं टॉप मल्टीनेशनल्स में काम कर रहे हैं, जनरल मैनेजर्स की पोस्ट में काम कर रहे हैं, आर्मी में हैं वो काम कर रहे हैं, भूपेन गोगोई आर्मी में हैं, आज जोरहाट में पोस्टेड हैं, अरुणाचल में पोस्टेड हैं, रोहित गुप्ता की बात करूं या अपने बेटे की बात करूं, 18 साल का है और रामजस कॉलेज दिल्ली में पढ़ता है। माय डियर फ्रेंड्स, 98% का बच्चा रामजस कॉलेज में अपने बलबूते पर एडमिशन ली, डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर रहा है सही सुखदेव से, और साथ में वेस्टीज में ब्रांच डायरेक्टर इन जस्ट 2 मंथ्स। दोस्तों अक्टूबर में ज्वाइनिंग और 2 महीने में वेस्टीज में ब्रांच डायरेक्टर, पढ़ते पढ़ते मिलियनर बनने का सपना है, बिल्कुल 100% पॉसिबल होगा। दोस्तों सोच के देखिए, 3 साल तो उसको पढ़ना है, कोई उसके ऊपर फोर्स नहीं है, प्रेशर नहीं है, साथ के साथ अगर वो वेस्टीज में ट्रेनिंग्स को अटेंड करेगा, सिद्धार्थ सर की ट्रेनिंग को इसने अटेंड किया, ये सब कैसे पॉसिबल है? दोस्तों ये सब पॉसिबल है अगर आप इस बात को सोचेंगे। इनकम की बात जरूर बताना चाहूंगा, पर मैं यहाँ पर वेस्टीज में एक ही चीज बोलूं, मैं कभी भी इनकम पर फोर्स नहीं करता। जितने लोगों को ज्वाइन कराता हूं उनको कभी अपनी इनकम दिखाकर मैंने नहीं ज्वाइन कराया, इनकम के ऊपर ना मैं फोर्स करता हूं ना मैं फोकस करता हूं, इनकम मेरा पर्सनल मामला है। वेस्टीज में तैयारी दुगनी जीत में मार्च 2023 में 2 लाख इनकम, ये मेरा विजुलाइजेशन है, मेरी पावर है और मैंने आज सबके बीच में ये बात बोली है। दोस्तों जो विजुलाइज करते हो, जो सोचते हो, आपको इसके बारे में बोलना पड़ेगा। आज 1 लाख के आसपास है और अगले साल मार्च में तैयारी दुगनी जीत, मतलब डबल इनकम। माय डियर फ्रेंड्स, हमारे डिजिटल फुटप्रिंट से आप सभी वाकिफ हैं और अच्छी तरह कनेक्टेड हैं। यूट्यूब हो, 2 लाख के आसपास सब्सक्राइबर्स हैं, बहुत बड़ी बात है। 2 लाख के सब्सक्राइबर्स होना कोई बात नहीं है, कंटेंट देना बहुत, इसके अंदर एक पूरी पूरी स्ट्रेटेजी लगती है, क्या कंटेंट होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। आज इंस्टाग्राम पर हो, फेसबुक पर हो, हम हर ट्यूसडे को लाइव होते हैं, कहीं ना कहीं क्यों करते हैं, क्योंकि लाइफ में हम वेल सेटल्ड हैं, अच्छा पैसा कमा रहे हैं, लोगों के साथ काम करना हमें बहुत पसंद है। अगर आप लोगों को यह सेशन अच्छा लगा तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक टाइप करें, अगर जितने लोग मुझे सुन रहे हैं अपने वीडियो आने, अगर आप लोगों को यह सेशन अच्छा लगा तो एक टाइप करें, तो हम आगे बढ़ते हैं। अगले 15 मिनट में इस ट्रेनिंग को भी हम खत्म करेंगे, एक ट्रेनिंग आपके साथ 10 से 15 मिनट में शेयर करूंगा। तो अगर जितने लोग हमें सुन पा रहे हैं तो आप चैट बॉक्स में एक टाइप करें कि आपको ट्रेनिंग समझ में आ रही है, सुनाई दे रही है, अच्छी लग रही है, ऐसी ट्रेनिंग्स बार बार होनी चाहिए, तो जरूर एक टाइप करें। थैंक यू सो मच आप लोगों का प्यार, ऑलमोस्ट जितने पार्टिसिपेंट्स हैं सभी ने एक टाइप किया है, यानी आप लोग ट्रेनिंग सुन पा रहे हैं। दोस्तों आज का जो हमारा जो ट्रेनिंग का विषय है, 15 मिनट मात्र लूंगा यहां से और 7:30 तक कोशिश करूंगा खत्म हो जाए। अगर आप लोगों को कोई भी बात पे पूछना होगा तो हम इसके बारे में कर सकते हैं। तो जो आज का हमारा विषय है, अपनी दिशा बदलनी है तो आपको अपनी दशा को बदलना पड़ेगा, कहाँ जा रहे हैं वो बदलना पड़ेगा। सोच को बदलो दोस्तों, सितारे बदल जाएंगे, और अगर हम नजर को बदल देंगे ना तो नजारे बदल जाएंगे। इस बात को अपने दिमाग में फिट कर लीजिए। आज हम उन नेटवर्कर्स की बात करेंगे जो जी तोड़ मेहनत करते हैं, वेस्टीज में अपना सब कुछ लगाते हैं, जीरो इन्वेस्टमेंट का बिजनेस हम है, होम बिजनेस है, ऑनलाइन कभी भी कर सकते हैं, मन चाहे रिजल्ट्स नहीं मिलते। क्यों? आपको एक बात समझनी होगी कि सफलता का माइंडसेट से बहुत गहरा रिश्ता है, और बिना माइंडसेट के आपकी लाइफ सेट नहीं हो सकती। आपको दशा बदलनी है तो दिशा बदलनी होगी। एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा, एक बार कहानी अगर आप मना भी करते तो जरूर सुनाता, क्योंकि बाली सर से हम सीखते हैं, तो कहानी जरूर सुनाऊंगा जल्दी से, छोटी सी। एक बार एक पॉलिटिशियन था, वो एक आश्रम में गया और आश्रम में बहुत सारे लोग थे। पॉलिटिशियन जब आश्रम में गया तो किसी ने उनको पूछा नहीं, तो पॉलिटिशियन को बहुत गुस्सा आया कि मैं इतना बड़ा पॉलिटिशियन और किसी ने मुझे पूछा तक नहीं। तो जो गुरु बैठे थे ये उनके पास गया, गुरु ने एक्नॉलेज भी नहीं किया, एक सिर्फ मुस्कान दी। तो पॉलिटिशियन को और गुस्सा आया, उसने बोला तुझे जानते हैं मैं कौन हूं? तो गुरु ने सीधी से एक स्माइल करी और कुछ नहीं बोला। पॉलिटिशियन को और गुस्सा आया और पॉलिटिशियन ने बोला कि मैं तुझे कहीं का नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे एक्सपोज कर दूंगा, मैं तुझे ये कर दूंगा, बहुत कुछ बोलता गया। गुरु ने कुछ नहीं बोला और गुरु ने हाथ जोड़कर प्रणाम कर दिया। पॉलिटिशियन को लगा कि अरे इन्होंने तो मेरी तारीफ करी है, और खुशी खुशी घर आ गया। जब घर आया तो अपने पिताजी से उसने बात करी कि आज का सारा किस्सा सुनाया,
तो पिताजी ने बोला जो गुरु ने किया वो तुम्हारे कैरेक्टर को उन्होंने नहीं किया, जो गुरु का कैरेक्टर था वो उन्होंने दर्शाया और जो तुमने किया तुमने अपना कैरेक्टर दर्शाया। यानी सारा खेल नजरिए का है माय डियर फ्रेंड्स। जब लोग आपके बारे में कुछ कहें तो ये लोगों का कैरेक्टर है, आपका कैरेक्टर नहीं है। आपका क्या कैरेक्टर है? आप जैसे हैं, आज मैं बोलता हूं कि मैं बेस्टीज से 50 लाख या 1 करोड़ की इनकम कमाऊंगा, ये मेरा कैरेक्टर है। आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं? अच्छा सोचते हैं, थैंक यू सो मच, ग्रेटफुल हूं। अगर आप मेरे बारे में सोचते हैं कि तुझसे ना हो पाएगा, मुझे परवाह नहीं है। दोस्तों लोग क्या कहेंगे, इस सिंड्रोम से बाहर आ जाइए, ये आपका कैरेक्टर है। तो मैंने आपको बताया कि अगर आपको अपनी दिशा को बदलना है तो दशा को बदलना पड़ेगा। आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। लोग क्या सोचते हैं उससे मैटर नहीं करता, आप अपने बारे में क्या सोचते हैं ये चीज मैटर करती है। अब अगर हम आगे बढ़ें तो शुरुआत हमेशा एक सोच और कमिटमेंट के साथ होती है। अगर आपके अंदर विश्वास और कमिटमेंट है दोस्तों और आप सरेंडर करने को तैयार हो तो माय डियर फ्रेंड्स आप बहुत कुछ आगे जा सकते हो। आपको सरेंडर किसको करना है? अपने मेंटर को, सिस्टम को। माय डियर फ्रेंड्स समर्पित हो जाएंगे, भूल जाइए कि कैसे होगा क्या होगा, अपने आप विजुलाइज होगा। मंदिर में जाते हैं, घंटी मारते हैं, भगवान बोलता है तथास्तु। उसी तरह सिस्टम को समर्पित कर दीजिए, सरेंडर कर दीजिए। भास्कर सर, असलम सर, जितने भी टॉप लीडरशिप है इनके लिए सरेंडर कर दीजिए। दोस्तों कैसे होगा उस पर क्वेश्चन मार्क मत डालिए। अगर भास्कर सर कहते हैं, असलम सर कहते हैं कि 5 लाख आएंगे तो कैसे आएंगे मत क्वेश्चन पूछिए, आएंगे। उसी में खुशी बांटिए, लड्डू बांटिए दोस्तों, खुशियां बांटिए। जितनी खुशियां बांटेंगे ना आपके अंदर देखेंगे अपने आप चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। फेथ अलोन क्रिएट मिरेकल्स, ये सिद्धार्थ सर कहते हैं। यानी सोच के देखिए, जब आप अपना भरोसा करते हैं ना अपने आप हो जाते हैं। विजुलाइजेशन की पावर। मैं आपको अगर अपना ड्रीम बोर्ड दिखाऊं बेटे का, जब कोरोना का काल था कोई आसपास नहीं था कि एग्जाम होंगे नहीं होंगे, मेरे बेटे ने अपने बोर्ड पर, ड्रीम बोर्ड पर 98% लिख दिए थे। माय डियर फ्रेंड्स उतने ही नंबर आए, एक बार नहीं दो बार। 10th के समय भी उसने लिख दिया था कि मुझे इतने परसेंट, 96% नंबर आए थे और 96 ही आए थे दोस्तों। 98 लिखे थे, एग्जाम ना होने के बावजूद भी 98% नंबर आए, क्योंकि यहां पर सोचा था। तो अपने आप भगवान ने कहा तथास्तु। भगवान देने को तैयार है, क्या आप लेने को तैयार हैं? दोस्तों बदलाव ही इस पृथ्वी का नियम है। अगर मैं बात करूं, आप जहां भी हैं उसे बदला जा सकता है अगर आप चाहते हैं तो। रियली अगर आप चाहते हैं कि मुझे बदलना है तो 100% पॉसिबल है। वेस्टी सिस्टम के अनुसार बदलना पड़ेगा, 100% आपकी जिंदगी बदल जाएगी। एक चीज बोलूंगा, शिद्दत से चाहे ना तो कायनात भी आपको आकर देगी। आज वेस्टीज में मैं अगर बात करूं, मैं जब ट्रेनिंग्स में जाता हूं बहुत सारे ऐसे लोगों को देखता हूं जो फिजिकली चैलेंज्ड हैं, आज वो भी वेस्टीज में कमा रहे हैं। अगर मैं मोहम्मद इरफान खान साहब की बात करूं, या अगर मैं बात करूं कि किसी की भी बात करूं, तो वो आज वेस्टीज में 100% सक्सेस ले रहे हैं, कम पढ़े लिखे के बावजूद भी सक्सेस ले रहे हैं। वेस्टीज बिजनेस अपॉर्चुनिटी को अगर मैं बात करूं तो क्यों करनी है आपको वेस्टीज बिजनेस अपॉर्चुनिटी? आपको करनी है बहुत सारे कारण में। अगर आप एक्शन में आओगे ना तो ये सारे चीजें अपने आप, आपको सोचने की इस अपॉर्चुनिटी की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो स्ट्रॉन्ग कारण आपको इस बिजनेस में बदलने को तैयार कराएगा, आपके सपने कराएगा और आपको इस बिजनेस में वो सब कराएगा जो आप माय डियर फ्रेंड्स सोचते हैं। आज आप कोई ना कोई काम जरूर कर रहे हैं, उसको पहचानिए, उसको करिए, उसको समझिए कि मैं ये जो काम कर रहा हूँ, ये जॉब या बिजनेस कर रहा हूँ वो क्यों कर रहा हूँ, आपकी क्या उससे जरूरतें पूरी हो रही हैं या सपने पूरे हो रहे हैं। लाइफ में अपनी प्रायोरिटीज को आप अगर सेट कर देंगे तो आपका जो है ना आधा काम अपने आप हो जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स आज आपको मैं जिस तरफ लेकर जा रहा हूँ ये नए लीडर्स के लिए भी जरूरी है और पुराने लीडर्स के लिए भी जरूरी है। कहीं ना कहीं वाई जो है ना हमारा बार बार क्लियर होना चाहिए कि हम वेस्टेज कर क्यों रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स आप अपनी लाइफ में अगर मैं बात करूं, औसतन अगर मैं बात करूं, 25 साल की उम्र से आप काम करना शुरू करते हैं, 60 साल की उम्र तक आप काम करते हैं, लगभग 35 साल काम करते हैं 8 घंटा रोज। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि 200 घंटे महीना काम करने के बाद, 300 दिन अगर लगभग साल में अगर मैं बात करूं तो आप काम करने के बाद, माय डियर फ्रेंड्स एक चीज सोच के देखिएगा, क्या आप अपने परिवार को एक लाइफस्टाइल दे पा रहे हैं? जो काम, जो जॉब या बिजनेस आप कर रहे हैं इतना टाइम लगाने के बाद आप अपने परिवार को दे पा रहे हैं? अगर दे पा रहे हैं तो वेस्टेज की जरूरत नहीं है।
समय है आपके पास, जरूरत नहीं है वेस्टीज की। वेस्टीज की जरूरत क्यों है? क्योंकि जब आप सोएंगे तब भी पैसा आएगा। अब बात करते हैं बदलाव की। ये बदलाव जो है ना आपकी जिंदगी को बदल कर रख देगा, सुख सुविधाएं देगा, हैप्पीनेस देगा। सोच के देखिए आज क्या किसी से कोई ले रहा है। आज के इस मॉर्निंग सेशन में भास्कर सर ने मेरा क्या ले लिया या मैंने भास्कर सर से क्या ले लिया? एक गुडविल जेस्चर है। भास्कर सर ने कहा आपके पास सर समय हो, हमारे कहा हमारे पास तो समय समय है। दोस्तों ये गुडविल जेस्चर है। जब आप खुशियां बांटेंगे ना भगवान आपको इतना लौटाएगा कि आप सोच भी नहीं कर सकेंगे, कल्पना भी नहीं कर सकेंगे। तो सबसे पहले लेने से पहले हम अक्सर वेस्टीज में ज्वाइन करते हैं, इनकम की तरफ सोचते हैं। सर मेरी इनकम कितनी आएगी? मैंने 3000 का सामान ले लिया, 100 पीवी का सामान ले लिया, कितनी इनकम आएगी? उस पर मत फोकस कीजिए। आप कितना दूसरों के लिए समय निकाल रहे हैं उस पर फोकस कीजिए, कितना ट्रेनिंग्स पर समय निकाल रहे हैं उस पर फोकस कीजिए। आपका स्ट्रॉन्ग वाई क्लियर होना चाहिए। दोस्तों अगर मैं बात करूं टाइम इज मनी, लोग अक्सर सोचते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, कि उनके पास पैसा भी नहीं है। अगर आप ये सोचते हैं कि मेरे पास समय नहीं है तो आपके पास पैसा भी नहीं है। दोस्तों टाइम इज मनी, आज इस बात को समझिए। अगर आपके पास समय है तो आपके पास पैसा है। इस चीज को समझ लीजिए, आपकी लाइफ चेंज होने वाली है। एंटरप्रेन्योर बनिए और आपको 3 से 5 साल वेस्टीज में देने हैं इस प्रोजेक्ट में, रोज 1 घंटा, साल के लगभग 330 दिन। माय डियर फ्रेंड्स ये आपके जीवन का निर्माण करेगा कि आप तैयार हैं। ये चॉइस आपको करनी है। अगले 5 मिनट के अंदर ही खत्म करेंगे और आपको लगाया यहाँ पे हर समय 1 से 2 घंटे। माय डियर फ्रेंड्स हम वेस्टीज क्यों कर रहे हैं? इसीलिए। यहाँ पर आपका वाई क्लियर होगा, सोच के देखिए। दोस्तों अगर मैं अपनी वेल्थ की बात करूं तो वेल्थ है अच्छी खासी। द्वारका में 6 बेडरूम का पेंट हाउस, अगर मैं बात करूं ऑफिस, घर, गाड़ी, सब कुछ। पर माय डियर फ्रेंड्स जो आज समझाने जा रहा हूं बात वो नहीं है। 1 से 2 घंटे रोज देने हैं, 330 दिन की बात करूं साल में देने हैं। 3 साल में आप अपनी जिंदगी 360 डिग्री बदल देंगे माय डियर फ्रेंड्स। कैसे बदलेंगे? कैसे 360 बदलेगी जिंदगी? अब तक हम जी रहे थे, काट रहे थे। माय डियर फ्रेंड्स यहां पर वेस्टीज में जब आप नया सफल रास्ता लेते हैं, CNT में अटेंड करते हैं, जूम सेमिनार्स अटेंड करते हैं, सक्सेस सेमिनार्स अटेंड करते हैं। 10 तारीख को सिद्धार्थ सर का तालकटोरा स्टेडियम में एक बहुत बड़ा मेगा सेमिनार होने वाला है। दोस्तों सोच के देखिए 17 तारीख को वेस्टीज अवार्ड फंक्शन है, फिर स्टेज पर जाने का मौका। माय डियर फ्रेंड्स अगर मैं अपने 3 साल जर्नी की बात करूं, 3 बार स्टेडियम में जा चुका हूं स्टेज पर। पहली बार सिल्वर डायरेक्टर पे, दूसरी बार स्टार पे, और तीसरी बार कहा था कि अब क्राउन बनकर आएंगे, क्राउन बनकर स्टेज पर जाने का मौका है। ये मौका आपके पास भी है माय डियर फ्रेंड्स। विजुलाइज कीजिए, मेगा इवेंट्स का हिस्सा बनिए, ट्रेनिंग्स का हिस्सा बनिए। और सबसे बड़ी बात, वेस्टीज सिस्टम में लाखों लोग अगर इनकम कमा सकते हैं तो आप क्यों नहीं? ये विश्वास आपको करना है। आप जो सोचते हैं, देखते हैं, महसूस करते हैं माय डियर फ्रेंड्स उसी को हासिल करेंगे। अगर आज आप सोचते हैं कि आप, अगर वेस्टीज से बात करूंगा मैं आपको, अपना जो सोचते हैं, देखते हैं, महसूस करते हैं वही हासिल करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स अगर आप विजुलाइज करेंगे ना तो आप वही चीज हासिल भी करेंगे। अगर आप विजुलाइज नहीं करेंगे, सोचेंगे नहीं, तो भगवान कैसे आपको देगा? ये सिस्टम आपको बहुत कुछ दे सकता है, आपकी जिंदगी बदल सकता है। सिर्फ नॉलेज को, एक्शंस को कर लो, नॉलेज को एक्शन में बदल दो, रिजल्ट्स 100% आएंगे। आइए समझते हैं क्या एक्शन करना है। माय डियर फ्रेंड्स डायरेक्ट सेलिंग में आपको 4P की नॉलेज रखनी बहुत जरूरी है। ये 4P क्या है? लोगों के बारे में जानकारी रहिए, लोगों को क्या चाहिए उनकी नीड्स को पहचानिए, कंपनी के प्रोफाइल के बारे में जानकारी रहिए, प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लीजिए, मार्केटिंग प्लान की जानकारी लीजिए, कैसे आता है पैसा, ये सारी नॉलेज रखिए। अब इस नॉलेज को एक्शन में लाइए। क्या है एक्शन आपका? एक डिस्ट्रीब्यूटर को क्या काम करना है? लोग पूछते हैं वेस्टीज में क्या काम करना है? लोगों के साथ शेयरिंग करनी है। दोस्तों लोगों के साथ चाय पीजिए और चाय पिलाइए, यही है वेस्टीज, दैट्स ऑल। शेयरिंग कीजिए, आज की मीटिंग शेयर कीजिए, कीजिए। फ्राइडे को भास्कर सर ने मीटिंग बुलाई है, इवेंट्स के जो पोस्टर्स आते हैं उसको शेयर कीजिए, ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाइए, लोगों को साथ शेयर कीजिए, फेसबुक में डालिए, अपनी स्टोरीज में डालिए, लोगों को बताइए कि भास्कर सर हर रोज सुबह मेहनत करते हैं, सर सुबह उठते हैं और हमारे लिए प्रयास करते हैं। एक्शन में आ जाइए दोस्तों, टीम बनाइए, बड़ी टीम बनाइए, बड़ी टीम। शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान, जितने प्लान शो करोगे उतनी बड़ी टीम। महीने में लॉ ऑफ एवरेज की बात करूंगा दोस्तों, आपको समझ में आएगी। और सबसे बड़ी बात सोच के देखिए माय डियर फ्रेंड्स, अगर आज आप दूसरों के लिए काम करोगे भगवान हमेशा आपको लौटाएगा। जो मेहनत आप करोगे 100% लौट के आपके पास आएगी। आप जो सोचते हैं ना कि आज हमें क्या मिल रहा है, माय डियर फ्रेंड्स वेस्टीज से आपको बहुत कुछ मिल सकता है। सिर्फ आपकी सफलता में हमारी सफलता है, इस मंत्र को पढ़ लीजिए। लॉ ऑफ एवरेज
हर किसी के साथ काम करता है। सिद्धार्थ सर का भी लॉ ऑफ एवरेज काम करेगा, जो मेरे साथ करेगा, प्रीतम सर के साथ भी, महेश सर के साथ भी, गोलक सर के साथ भी, सबके साथ लॉ ऑफ एवरेज वही है। यानी 10 व्यक्तियों के साथ प्लान शेयर करेंगे, एक व्यक्ति ज्वाइन करेगा। पर यहां मैं एक चीज बोलूंगा, जो 9 व्यक्तियों ने आपको ना किया वो भी कहीं ना कहीं आपको देख रहे हैं। तो आज अगर आपको लोग रिजेक्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कारण आप खुद हैं, उसको समझिए, लॉ ऑफ एवरेज को जानिए कि आज 10 लोगों को मुझे प्लान दिखाना है तब एक व्यक्ति ज्वाइन करेगा। होता क्या है, हम एक व्यक्ति को प्लान दिखाते हैं, महीने भर में सोचते हैं वो ज्वाइन नहीं कर रहा, ज्वाइन नहीं कर रहा, ज्वाइन नहीं कर रहा, उसी के साथ लगे रहते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को समझिए। यहां पर आपको अपने अपलाइन के साथ बैठकर, भास्कर सर के साथ बैठकर, असलम सर के साथ बैठकर, रक्षित सर के साथ बैठकर, एंटायर लीडरशिप के साथ बैठकर अपने गोल सेट करने हैं। हम प्रोडक्ट के डिस्काउंट की बात करते हैं, 55-60% सालाना परचेज। मैं कहता हूं 4 महीने में प्रोडक्ट आपके फ्री होने वाले हैं लाइफ टाइम के लिए। अपने गोल सेट कीजिए, शॉर्ट टर्म गोल, मिड टर्म गोल। एक प्रोडक्ट का लॉयल यूजर बनिए माय डियर फ्रेंड्स। आपकी लिस्ट में 2 नाम हर रोज बनने चाहिए। मेट्रो में जाइए, लोगों को जोड़िए, होटल में खाना खाइए, लोगों को जोड़िए, जहां जाएं लोगों को अपने साथ लिस्ट में जोड़िए, रिश्ते बनाइए। जब आप लोगों के साथ रिश्ते बनाएंगे तो 1-2 प्लान हर रोज होंगे। दोस्तों एवरेज की बात करूंगा, आपको कसम खानी है, कमिटेड होना है कि मुझे 3 प्लान रोज शेयर करने हैं। महीने में 90 प्लान जब आप दिखाएंगे ना, 10-15 ज्वाइनिंग 100% होगी। आपको अपने अपलाइन के साथ कनेक्टेड रहना है। भास्कर सर, असलम सर या रक्षित सर, सबको कॉल करें ये ठीक बात नहीं है। हर व्यक्ति को एक प्रयास करना है कि अपने अपलाइन के साथ जितना कनेक्टेड रहेंगे, सुबह दोपहर शाम, खाना 3 बार खाते हैं ना, उसी तरह अपने अपलाइन के साथ भगवान को रोज याद करते हैं। आपके दिमाग में क्या चल रहा है, प्रॉब्लम्स, या आपके दिमाग में चल रहा है कि मुझे वेस्टीज से 5 लाख? सोच के देखिए, जितने लोग आज अटेंड कर रहे हैं, लगभग 100 के आसपास हैं, जितने लोग इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, एक ही चीज पूछूंगा, सोच के देखिएगा कल और आज में आपने क्या सोचा। क्या आपने कभी ये सोचा कि मुझे 5 लाख रुपए आ रहे हैं? कितनी बार सोचा कि मुझे 5 लाख रुपए आ रहे हैं? दोस्तों आपने सिर्फ अपनी प्रॉब्लम्स को देखा, मेरे तो लोग नहीं जुड़ते हैं, मेरे तो ऐसा हो रहा है, मेरे तो ये हो गया, मेरी तो किस्मत खराब है। दोस्तों भगवान भी बोलेगा तथास्तु। अपनी प्रॉब्लम्स पर फोकस करना बंद कर दीजिए। जितने लोग इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, आज से कल सुबह तक आप सिर्फ अपना फोकस 5 लाख पर डालिएगा, देखना आपकी जिंदगी कैसे बदलती है। इन मीटिंग्स, ट्रेनिंग्स को अटेंड करेंगे, आपकी जिंदगी बदलने वाली है। सिस्टम को फॉलो करने वाला बनना है या सिस्टम को तोड़ने वाला बनना है, फैसला, चॉइस आपकी है। सिर्फ एक मिनट मात्र में खत्म करूंगा। लिस्ट बनाइए, रोज प्लान दिखाइए और सिस्टम को, मीटिंग्स को अटेंड करते रहिए। माय डियर फ्रेंड्स, कनेक्ट, केयर, यहां पर केयर करनी है, लोगों के साथ कनेक्ट होना है और उनकी जिंदगी को बदलना है। माय डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करूंगा आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो आपके फीडबैक्स आप भास्कर सर को जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच भास्कर सर, आपने हमें बुलाया और टीम का हिस्सा बनने का मौका दिया। थैंक यू सो मच सर।